हेलो चिल्ड्रन, आज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने डिग्री मेजर और रेडियन मेजर को अलग अलग पहले वीडियो में बता दिया था। आज हमको बताना है कि दोनों में रिलेशन क्या होता है। स्टूडेंट्स, पहले एक बार हम यहाँ पे रिकॉल कर दें कि वन रेडियन कितना होता है। तो वन रेडियन समझने के लिए कोई भी सर्किल ले लिया जाए और उसके रेडियस के बराबर आर्क ले ली जाए। तो अगर ये आर्क जो दिख रही है यहाँ से, एक ए बी जो आर्क है किसके बराबर है? रेडियस के बराबर है। ये लेंथ ऑफ आर्क ए बी और रेडियस ओ ए दोनों इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये आर्क ए बी सेंटर पर वन रेडियन का एंगल बना रही है। वन रेडियन, समझ बात आ गई कि अगर आर्क इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस हो जाए, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस, तो द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर विल बी वन रेडियन। तो हम लोग स्टूडेंट्स ये समझ गए कि वन रेडियन को वन टू द पावर सी भी कहते हैं, इज इक्वल टू कितना होगा तो बाद में निकालेंगे। ये कंफर्म हुआ कि ये वन रेडियन का एंगल बन गया। तो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि ध्यान से देखिए, अगर इसी आर्क के बराबर एक और आर्क ले लिया जाए तो वो भी वन डिग्री बनाएगा। तो मतलब कि अगर टू यूनिट का हो जाएगा तो टू रेडियन का एंगल बन जाएगा। सपोज दैट, मान लिया यहाँ पर एक और इक्वल आर्क सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, क्लास टेंथ में पढ़े हैं, अगर ये वन डिग्री बनाए तो ये भी वन डिग्री बनाएगा। तो इसका मतलब यहां से यहां तक एंगल कुल कितना हो गया? 2 डिग्री क्या हो गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स जरा समझिए कि OA, अगर ये जो लाइन है ये इनिशियल लाइन मान करके पूरा घूम करके फिर उसी पोजीशन में आ जाए, इसी तरीके से घूमते घूमते घूमते, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा? तो हम किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल पर। ये तो सर्कमफ्रेंस का पार्ट था, वन रेडियन बनाया था। अब उसी तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, इसकी लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस पहले कितनी है। फार्मूला होता है 2πr, लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2πr। रेडियस कितनी है? 1 यूनिट। यहाँ पर हमने स्पेशली लिया हुआ है 1 यूनिट समझाने के लिए। तो हमारा r की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना हुआ? 2π × 1, दैट इज 2π। लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस 2π आ गया, और 1 यूनिट का 1 रेडियन, तो 2π यूनिट का 2π रेडियन। इट मींस स्टूडेंट, कंप्लीट एंगल आपको मिला, कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 2π रेडियन। अच्छा स्टूडेंट्स, और हम उसकी बात करें कि कंप्लीट एंगल हमारा होता कितना डिग्री में। कंप्लीट एंगल डिग्री में होता है 360 डिग्री। ये हमारा डिग्री यूनिट में, ये हमारी रेडियल यूनिट में है। ये भी कंप्लीट एंगल आ रहा है और ये भी कंप्लीट एंगल है। स्टूडेंट, दोनों में रिलेशन मिल गया। दिस इंप्लाइज यू मे से दैट 2π रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री आपको मिल गया। This implies pi radian equal to 2 से डिवाइड हो जाएगा 180 डिग्री। ये हमारा एक रिलेशन दोनों में आ गया, pi radian equal to 180 डिग्री। अब स्टूडेंट्स, इसका यूज करके हम कोई भी चीज़ को निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए इसी चीज़ को हम उल्टा लिख लें, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, जस्ट उल्टा लिख दिया। अब स्टूडेंट्स, अगर हमको 90 डिग्री का निकालना हो तो 90 डिग्री इक्वल टू π/2 रेडियन, इधर आधा कर दिया, इधर आधा हो गया रेडियन। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपको इसी में मान लेते हैं हमको 30 डिग्री निकालना हो, पहले तो 1 डिग्री निकाल लेते हैं। 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 इक्वल टू π रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन। यूनिटरी मेथड से इतना आ गया। अब स्टूडेंट्स, अगर 1 डिग्री का आ गया तो चाहे जितने डिग्री का आप देखिए, 1 डिग्री के बाद मान लेते हैं हम
30 डिग्री का चाहिए तो 30 डिग्री इक्वल टू 30 इंटू 1 डिग्री का मालूम है पाई बाई 180, ये कैंसिल हो गया, 6 हो जाएगा, दैट इज पाई बाई 6 रेडियन आ गया। अब हमको जहाँ 30 डिग्री बात होगी वहाँ पर पाई बाई 6 रेडियन रेड करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स मान लिए 45 डिग्री चाहिए तो 45 इंटू पाई बाई 180 ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा पाई बाई, दैट इज ये कितना होगा कैलकुलेशन हो करके। तो चिल्ड्रन देखिए सर कैलकुलेशन कर दिया, 45 डिग्री का कैंसिल होने के बाद पाई बाई 4 रेडियन, 60 डिग्री इक्वल टू 60 इंटू पाई बाई 180 दैट इज कट कुट करके आ गया पाई बाई 3 रेडियन। तो ये हमारी जो डिग्री थी अब रेडियन में कन्वर्ट होना करना हम लोग सीख गए हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में हमको रेडियन में ही सब कुछ पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स ये रहा रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन में। तो हम अब फिर से एक बार रिकॉल कर दें कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री या 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। अब 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, यहाँ से देख लीजिए 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। स्टूडेंट्स वैसे ही 1 रेडियन इक्वल टू, एक चीज़ और लिख देता हूँ यहाँ से मैं इधर लिख देता हूँ, 1 रेडियन इक्वल टू 1 रेडियन से पाई रेडियन है 180 डिग्री, यहाँ से निकालता हूँ ये चीज़, यहाँ से लेता हूँ 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री 180 बाई, अगर हमको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो हम इस तरीके से यूज करेंगे, 1 रेडियन से मल्टीप्लाई कर लेंगे हमारा डिग्री में बन जाएगा। तो इसी से हम चाहे जिसको कन्वर्ट करना चाहें बस याद रहे पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री हम आराम से कन्वर्ट कर लेंगे किसी भी एंगल को, रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में। आई थिंक स्टूडेंट्स ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। और ये हमारा कंप्लीट एंगल 2 पाई रेडियन कैसे हुआ ये भी मैंने समझाने का प्रयास किया, जैसे कि रेडियन के डेफिनेशन होती है 1 रेडियन से निकाला कि भाई पूरा जो कंप्लीट एंगल है पूरा सर्कमफेरेंस का 2 पाई रेडियन बनेगा, और कंप्लीट एंगल हमारा 360 होता, दोनों को इक्वल किया एक नया रिलेशन बना पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो ऐसे कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक आज का यहीं पर फिनिश होता है। तो चिल्ड्रन एक चीज़ मैं समझा दूं कि ये वीडियो बनाते समय ये चीज़ वहाँ पर नहीं आ पाई, इसको मैं यहाँ पर लिख के दिखा दे रहा हूँ। सिंस पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, सो 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री। तो ये पाई अपान में चला जाएगा यूनिटरी मेथड से, चाहे इधर से ले जाएं चाहे उधर से ले आएं, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन एंड 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम किसी भी रेडियन को अगर चेंज करना होगा इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा वो डिग्री में हो जाएगा। आई थिंक ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी।